हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट प्रोग्राम बना रहा हूँ, क्रिकेट स्कोर बोर्ड बना रहा हूँ जो कि एक क्रिकेट स्कोर दिखा सकता है। मतलब मैं आपको मैं रन करके दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये ना, ये क्रिकेट स्कोर बोर्ड दिख रहा है आपको। तो हम आप कर सकते हो कि जैसे हम बाहर खेलने आते हैं, क्रिकेट खेलने आते हैं, गली क्रिकेट टाइप का, तो वहाँ में कोई स्कोर बोर्ड टाइप का बनाने में थोड़ा सा एक अच्छी सी कन्वेंस मिलती है कि आप वहाँ पता लगा सको कितने रन टू विन है, या फिर आपको ये पता लगाना हो कि अभी क्या स्टैटिक्स मारे हैं, मतलब क्या मतलब कितने बैट्समैन ने रन मारे हैं। क्योंकि यार आपको सब कुछ दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है आप रख नहीं सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है एक्चुअली, बट ये एक मच सिंपलर चॉइस है। तो यहाँ पर इसे पुराने स्कोर को भी आप रख सकते हो, मैं ये भी कह रहा हूँ। जैसे मान लो आप अभी गए थे खेलने हैं, तब ऐसे आपको मैंने मन करे कि यार आपने अपने दोस्त को दिखा रहे हो कि यार मैंने करना कल इतने रन मारे थे, उस दिन शायद से वो दोस्त ना आया हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। मतलब अभी ये है एक बहुत ही शायद ही 50% बनी है एप्लीकेशन, मैं वो दिखाऊँ ना, ये एक्चुअली ये 50% ये एप्लीकेशन बनी है, ये मैंने अपने रीडमी में डाल रखा है। तो ये रीडमी और .md आप देखना। तो यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ यही काम कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और आपको ये भी मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं करवाना की सोच रहा हूँ, बट मेरे को थोड़ा लॉजिक्स क्वेश्चन है, थोड़ी सी एक दिक्कत सी हो रही है। तो मैं यहाँ पर इसलिए इस वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि अगर आप कोई देख रहा है इस वीडियो को तो वो मेरी हेल्प करने की ट्राई कर सकता है कि ये कैसे चलता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कोड रन करके दिखा देता हूँ। तो रीड प्रीवियस स्कोर, तो मैं पुराना स्कोर देखता हूँ, पर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कोई भी स्कोर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसने ये है मेरे को एक एरर टाइप कर दिया, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मेरे से ये पूछ रहा है ऐड अ न्यू गेम, तो यार हम ऐड अ न्यू गेम कर सकते हैं। टीम का नाम है मांग रहा है, जैसे मान लो मैंने इंडिया डाल दिया, यहाँ पर मैंने न्यूजीलैंड डाल दिया, अभी टेस्ट सीरीज भी चल रही है अभी, और डी नहीं लग पाया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इससे कि हम कभी गली क्रिकेट वाला भी खेलते हैं, तो हम पर हमेशा 11 लोग हमको मिलना दोनों टीम से मुश्किल रहता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो जैसे मान लो मैं आया हूँ, 8 लोग आए हम खेलने, तो हम चार चार की टीम बांट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वन प्लेयर ऑफ इंडिया, तो जैसे मान लो मैंने डाल दिया, अनंत डाल दिया, फिर मुकेश डाल दिया, फिर नीलेश डाल दिया, फिर अथर डाल दिया, रिया, ठीक है। फिर मैंने ऐसे मान लो मैंने आकाश डाल दिया, फिर एक और दोस्त आकाश डाल दिया, एक दोस्त है कार्तिक है उसको डाल दिया, या फिर अब कोई भी तुमको मिल गया हो, जैसे कि हम किसी गप्पू भी बोलते हैं तो गप्पू भी आ गया, ठीक है। तो जैसे कि अब जैसे मैं हाउ मैनी ओवर इन दिस मैच, तो जैसे मान लो हम 20-50 ओवर का तुम खेल सकते हो, ऐसा किसी ने मना नहीं करा है वो। अब देखो तुम्हारे पास है ना, ये ओवर कितने हैं मैच में, मान लो 3 ओवर का मैच है, टॉस का आपके देखो, और यहाँ पर आपको टॉस फंक्शनलिटी भी मिल जाती है। देखो यहाँ पर अब तुम अब यहाँ पे रैंडम निकालता है ऐसा, इंडिया न्यूजीलैंड दोनों में से कुछ ना कोई ना कोई निकाल ही लेगा दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों से पूछ रहा है कौन सी तुम चूज़ करना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने डेल्स डाल दिया, तो इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर न्यूजीलैंड टॉस जीत गई है, तो यहाँ पर मान लो मैंने न्यूजीलैंड ने बैटिंग चूज़ कर ली, और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि यार यहाँ पर ये इंडिया की दिखा रहा है, बट मेरे को यहाँ पे इसको बग भी फिक्स करना है, एक बग आ गया है यहाँ पर, तो अभी मैं उसको फिक्स करने का ट्राई करूँगा। और आप मेरे को सजेशन दे सकते हो इस बात पर अगर आपको पता हो तो। जैसे कि मान लो मेरे को रन, मैंने मान लो पहली बॉल आई हमारे पास, और पहली बॉल मैंने 1 रन मारा, दूसरी बॉल डॉट बॉल हो गई फॉर सम रीज़न, तीसरी बॉल पर मान लो उसने चौका मारा उसी सेम बंदे ने। अभी देखो यहाँ पर बैट्समैन नहीं, उसे मेरे से पूछा नहीं, बॉलर नेम कौन है वो पूछा नहीं, क्योंकि अब मैंने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने फंक्शनलिटी डिपेंड नहीं करी है। हो सकता है अगर आप किसी आगे टाइम पे देख रहे हो, सकता है मैंने पूरा प्रोजेक्ट भी बना कर कंप्लीट कर दिया, हो सकता है मैंने इसका GUI भी बना दिया हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है इसमें। इसको मैं अभी मैं थोड़ा सा एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में इसको लेकर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको पहली बार पाइथन में बनाया, मैं आपको बताना भूल गया था, तो इसमें पाइथन में बनाया, तो आया देख सकते हो कोड को, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये अपना ब्राउज़र खुल गया। तो यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप नहीं खोलना है, मेरे को खोलना है getlab.com/anantguptacricketscoreboard, आप ये लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे ये आप चार चीज़ें देख सकते हो, तो लाइसेंस और रीडमी है। रीडमी आपको यहाँ पे जो है ना, ये आपको
ये आपको ये बता सकती है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें ये बता दिखा देगी आपको। जो मैंने आपको दिखाया था ना पहले रीड में, आपको ये दिखाई थी, हाँ ये वाली सेम रीड में, वो दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो मिस लाइन अभी यहाँ पर मैं जो करने की चीज़ें मैं जो सोच रहा हूँ ना, वो ये है कि बैट्समैन का नेम आ जाए, बॉलर का नेम आ जाए, और रन कितने हो गए, स्ट्राइक चेंज करनी है मेरे को, स्ट्रेंज स्ट्राइक ऑन इवन रन्स, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, ऑन इवन रन्स मैंने गलती से कर दिया फॉर सम रीज़न, हाँ मैंने गलत कर दिया एक्चुअली, मेरे को यहाँ बदलना पड़ेगा, रिव्यू में बदल दूंगा उसको मैं। मिसलेनियस में ऐसा कुछ है कि टूर्नामेंट मोड है, मैन ऑफ द मैच ऑफ द स्टैट्स, बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक में थोड़ा सा एमएल पे चला गया, उनको ज़्यादा एमएल में आइडिया नहीं है ज़्यादा, मैं पर्सनली कह रहा हूँ। और मैं यहाँ पर स्टोरी भी सुन सकता हूँ, मैंने बहुत ही बढ़िया स्टोरी लिख कर लिखी है, मेरे को उसको काफ़ी देर लग गई थी उसको लिखने में, और उसको मैं जीयूआई वर्जन पर भी डिपेंड कर रहा हूँ, बट अभी इस टाइम पर मैं अभी इसको सीएलआई वर्जन भी बनाऊँ तब भी ठीक है, बट अभी फंक्शनल भी नहीं है ढंग से, तो जीयूआई थोड़ा बात का मैं रखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अभी किसी कॉम्पिटिशन में जाऊँ और वहाँ पे तुम्हारा यही सारी फंक्शनलिटी नहीं आ रही है, और फिर मैं यहाँ पर इस वाली फंक्शनलिटी पे ले आ गया या फिर इस वाली फंक्शनलिटी पे या फिर इस पर आ गया, तो ऐसा लगेगा यार तुम्हारे तो बेसिक वाली नहीं आई है, तुम एडवांस पे कम चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर इसने रन आ गया और डॉट बॉल, विकेट, वाइट बॉल, नो बॉल। ठीक है, अभी मैंने जो ऊपर बग आया था ना कि इनिंग्स ऑफ इंडिया स्टार्टेड बट न्यूजीलैंड ने बैटिंग ली थी, तो वहाँ पर उसको मैं फिक्स कर दूंगा। ठीक है, देखो चौथी बॉल पे मान लो डॉट बॉल हो गई, पाँचवीं बॉल पर विकेट चली गई, ठीक है विकेट चली गई आपकी, और यहाँ पर ये दिखा रहा है वन फिनिश्ड आ रहा है, एक्चुअली मेरे को वन ओवर करना पड़ेगा, वन फिनिश्ड आ रहा है ना, नहीं फिनिश्ड सर्च करता हूँ मैं, एक्चुअली ओवर का दिखा रहा है मेरे को, वन ओवर फिनिश्ड, ठीक है ओवर फिनिश्ड, मैंने एक्चुअली शायद से यहाँ पर एक जगह लिख दिया था मैंने, पर मैं शायद अगली जगह भूल गया था। अब देखो छठवीं बॉल पे आ रही है, तो आई थिंक मेरे को पाँच ही बॉल पे मेरे को कर दिया, आई एम नॉट श्योर वाई, मेरे को छठवीं बॉल पे करना पड़ेगा, जैसे कि मतलब रिमाइंडर पाँच डिवाइड बाई छः क्यों आ रहा है यार, मैं यहाँ पर जो करंट बॉल प्लस प्लस में देख लूँगा मैं कहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं सभी देख लूँगा अभी। और चलो अब हम करेंगे क्या कि हमारा रन आ गया और डॉट बॉल विकेट, देखो छठवीं बॉल पे क्या हुआ, इसमें डॉट बॉल चली गई, सातवीं डॉट चली गई, आठवीं मैंने छक्का मार दिया, नौ ये नौवीं वाइड चली गई, तो देखो नौ बॉल हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई बॉल बॉल ही नहीं आ गया। ठीक है, एक रन आ गया, फिर तीन आ गए रन, और दो फिनिश्ड आ गए, स्टेटस ऑफ 12वीं बॉल पे पता नहीं को इसके बाद को दिखा, मेरे को पहले इसको प्रिंट कराना है और फिर दो फिनिश्ड दिखाना है। ठीक है, टू ओवर फिनिश दिखाना है मेरे को, तो डॉट बॉल चाहिए, डॉट बॉल डॉट बॉल, फिर एक को छक्का मार दिया, और ओके मैंने शायद से यहाँ पर मैं उसको भी एरर फ्री करने की कोशिश करूँगा कि इसने आई थिंक बीच में ही क्विट कर दिया प्रोग्राम, तो हाँ ऐसा बीच में कुट कर दिया, इसने स्कोर भी नहीं दिखाया एक्चुअली, बट अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आई थिंक सो यहाँ पर स्कोर डाला ही नहीं था, सॉरी माई बैड, क्या आप देख सकते हो कि इंडिया यहाँ पूरा अच्छा, मेरे को ये एक अच्छा फॉर्मेट लगता है मेरे को पर्सनली, यहाँ पर मैं सब थोड़ा टेबल फॉर्मेट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कि ये हो गया कि ये ऐसे हो, फिर तुमको एक टैप के स्पेस पे ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं को दिखाता हूँ जैसे कि ये, ठीक है, बट अभी के लिए मैं यही फॉर्मेट प्रेफर कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं आगे के लिए कर रहा हूँ, और मतलब वैसे टाइप की मैं चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, अभी मेरे को आइडिया नहीं है पर्सनली, बट यहाँ पर मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी कोई आइडिया नहीं आ रही कैसे काम करने वाला है, बट मतलब ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ट्राई कर रहा हूँ करने का, तो क्या ना इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट मैं सभी करने के चांसेस थोड़े कम हैं, तो
या आपको, मैं आपको रन रेट फ्यूचर भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं काम करता हूँ कि अपने प्रोग्राम्स को क्विट कर देता हूँ। ये मैं प्रोग्राम में फंक्शनलिटी है कि जैसे जो ओ एस, उसके वजह से हो रहा है ओ एस मॉड्यूल, कि मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ प्रीवियस कोड्स कोड को। मैं तीन करूँगा तो ये मेरी फाइल रिमूव हो चुकी है एक्चुअली। ये भी एस कोड नहीं दिखा दिया, फाइल रिमूव हो गई। ठीक है, अब फिर मैं कर रहा हूँ कि मैंने नाम डाल दिए, हेलो तीन प्लेयर खोल रहे हैं। फिर मैंने ऐसे डाल दिए, मान लो फोर का मैच है। फिर मैंने टेल्स दिया बॉलिंग, फिर 12। एक्चुअली मैंने वैलिड वैल्यू नहीं डाली, तो देखो अगर कहता है मैं वैल्यू वैल्यू नहीं डाली। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने इस पर भी थोड़ा काम करा है कि थोड़ा सा वो, अच्छा मेरी इनिंग्स ख़त्म हो गई मेरे हिसाब से, इनिंग्स अनफिनिश्ड। और यहाँ पर ये मेरे को ये फॉर सम रीज़न प्रिंट कर रहा है, मेरे को यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करना है। रन्स, हाँ आई थिंक सो, मैंने कहा नहीं कि मैंने फिक्स क्यों नहीं करा इसको। मैंने आई थिंक मैंने सोच तो रहा था फिक्स करने का, फिर मैं भूल गया शायद से करना। मेरे को कभी कभी ध्यान आ जाता है, मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्रामर तो खैर नहीं हूँ। तीन मार, अगली बॉल पे छक्का मार दिया तो ख़त्म हो गया गेम हमारा। या फिर ओके आई थिंक सो ऑल आउट हो गए थे वो, इसकी वजह से हुआ था। ओके मैं देख सकते हो कि पुराना स्कोर आप देख सकते हो यहाँ पर, थोड़ा ना देखना मुश्किल है। टोटल स्कोर ऑफ AFD यहाँ पर आ गया है, देख सकते हो अपने स्कोर। एक्चुअली आपको TXT फाइल में ज़्यादा अच्छा दिखता है एक्चुअली। एक्चुअली इस पर भी ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है मैं सही बताऊँ तो। आई थिंक जो कुछ तो फाइल में प्रॉब्लम हुई है, बट मैं इसको भी फिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आई आप मेरे को प्लीज़ एक बग रिपोर्ट आप मेरे को भेज सकते हो यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर जाओगे GitLab.com वगैरह, आपको एक बग सेक्शन आपको मिल जाएगा। अब नॉट श्योर किधर होता है ये, बट एक है यहाँ पे इशू सेक्शन देख सकते हो ना, यहाँ पे इशू सेक्शन। मैं GitLab अब हर रोज़ ऑलमोस्ट कर रहा हूँ मैं इसको, मतलब मैं अराउंड 15-20 बार तो खोल ही देता हूँ उसको पूरे 1-2 घंटे में ही। ऐसा टाइप का रह गया अभी तो, खैर मैं ज़्यादा काम कर नहीं पा रहा हूँ इन पर। आप मेरे को प्लीज़ एक आप एक उस पर ले करना। और अगर कोई भी आपको बग लग रहा है, कोई इशू लग रहा है आपको, आप सजेशंस भी आपको है तो कैसे मैं एक चीज़ को कंप्लीट कर, जैसे कि इन चीज़ों में से कुछ है तो। अब मिसलानीस पर बाद में चले जाना, बस मैंने लिख रखा है अभी के लिए कि मैं आपको और यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ। बट मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी तो भी यही है कि मैं पहले इनको कंप्लीट करूँ, जिससे कि मेरी बेसिक फंक्शनलिटी आ जाए, फिर मैं बाद में मिसलानीस पे जाऊँगा। आई होप आपको मैं प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते कमेंट सेक्शन में। और मैंने भी यहाँ पर भी थोड़ा सा लिखने की कोशिश करी है। आई एम नॉट पर्सनली श्योर यार, मैंने बहुत ज़्यादा तो उसमें कर करा नहीं है, बट ठीक है यार, और मैं कुछ कर नहीं सकता मैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अपलोड कर दूंगा उस पर यूट्यूब पे।